सो गाइस, आज हम बनाएंगे टेरेरियम। इसके लिए हमें चाहिए कांच की बोतल, और उसमें मैं पहले स्टोन्स डाल दे रहा हूँ। स्टोन्स अच्छे से डालना है, नहीं तो बोतल आपका टूट जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वुड चारकोल। वुड चारकोल बनाने के लिए आप वुड को इनसफिशियंट एयर में जला लीजिएगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सैंड, जिसे रेत भी कहते हैं। तो सैंड डाल देंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिट्टी। तो अब मिट्टी में है नॉर्मल मिट्टी 50%, 30% काउडंग कंपोस्ट और 20% सैंड, ठीक है। तो इसे अच्छे से डाल देंगे, और इसे डालने के बाद अच्छे से सेव दे देंगे। उसके बाद मेरे पास कुछ प्लांट्स हैं, मैं इन प्लांट्स को भी लगा दूंगा। तो देख सकते हैं, मैंने पहला प्लांट, ये आपको आसपास जहाँ पे भी छोटे छोटे प्लांट्स मिले आप वहाँ से उठा के इसे लगा सकते हैं। आपका मर्जी, आप इसमें कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये प्लांट ही लगाना है, लेकिन वो प्लांट सेम कैटेगरी का होना चाहिए। सेम कैटेगरी से मेरा मतलब है कि अगर आपको ड्राई एरिया वाला प्लांट लगाना है तो आप सिर्फ ड्राई एरिया वाला लगाइएगा, आप वेट एरिया वाला उसके साथ नहीं लगा सकते। और अगर आपको वेट एरिया वाला लगाना है तो सिर्फ वेट एरिया वाला लगाइएगा प्लांट, आप ड्राई एरिया वाला प्लांट नहीं लगा सकते, नहीं तो दोनों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे पास कुछ प्लांट्स थे, मैंने इसे अच्छे से लगा दिया है। और इसे लगाने के बाद इसमें मैं एक सूखे पेड़ का जैसा लुक देने के लिए एक स्टीम ले लिया हूँ किसी भी छोटे प्लांट का, और उसे अच्छे से इसमें लगा देंगे जिससे ये लुक अच्छा आएगा। और इसे देख सकते हैं कितने अच्छे से लग गया। तो अब हम इसमें डालेंगे मॉस। तो ये एक टेरेरियम है, तो इसमें मॉस डालना बहुत ज़रूरी है, और मॉस से ये ग्रास का काम करेगा, ये ग्रास का लुक देगा। मॉस जो हम डाल रहे हैं वो ग्रास का लुक देगा। और मॉस को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्टोन्स। तो स्टोन्स डालने के लिए मैंने एक कागज़ को फोल्ड करके उसकी कुप्पी बना ली है, और उसमें हम छोटे छोटे एकदम सैंड को जब छानने से जो पत्थर मिलते हैं वो पत्थर हमें यूज़ करने हैं। तो ये कुप्पी से अच्छे से जहाँ जहाँ आपको पत्थर डालने वहाँ वहाँ आप डाल सकते हैं। तो मैं अच्छे से पहले डाल दे रहा हूँ पत्थर, और देख सकते हैं मैं चारों तरफ पत्थर डाल दे रहा हूँ अच्छे से, जिससे ये अच्छा लुक दे। तो मैं अच्छे से डाल दे रहा हूँ। तो मेरे पास जितने स्टोन्स थे छोटे छोटे मैंने सब डाल दिया, और अभी ये बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद इसे ढक्कन से पैक कर देंगे। तो मिलते हैं इसके ग्रोइंग रिजल्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।